दोस्तों फिल्म में विक्रम वेदा के साथ यहाँ पर हमें काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है, और जिसकी दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा हटकर दिख रहा है, क्या फिल्म में ऋतिक हमें दिखने वाले हैं बिना हीरोइन के? जी दोस्तों, अब तक हमें ऋतिक की कैसी भी फिल्म देखने को मिली हो, लेकिन यह फर्स्ट टाइम रहने वाला है जहाँ पर के ऋतिक जो कि हमें बिना हीरोइन के दिखने वाले हैं। जी दोस्तों, भले ही ऋतिक जो कि अपने फिल्म में गरीब हो या फिर अंधे हो, लेकिन इसके बावजूद ऋतिक को फिल्म में हीरोइन मिली जाती है। लेकिन यह विक्रम वेदा के साथ यहाँ पर पहली बार होने जा रहा है जहाँ पर ऋतिक की कोई हीरोइन नहीं रहने वाली है। यहाँ दोस्तों हम साउथ फिल्म में विक्रम वेदा देख ही चुके, और यहाँ उस फिल्म में हमें देखने को मिला है कि यहाँ विजय सेतुपति की कोई हीरोइन नहीं रहती है। और यहाँ पर भले ही हमें फिल्म में दो एक्ट्रेस दिखती है, लेकिन जैसे कि ये दोनों ही एक्ट्रेस जो कि अलग अलग किरदार से जुड़े हैं, और जैसे कि कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा हिंदी फिल्म में विक्रम वेदा में भी, क्योंकि यहाँ विक्रम वेदा फिल्म की एक्ट्रेस की अनाउंसमेंट नहीं की गई, और जैसे कि फिल्म की तरफ से यहाँ पर दो एक्ट्रेस के बारे में जानने को मिला है। हालांकि एक एक्ट्रेस जो कि हमें दिखने वाली है सैफ अली खान के ऑपोजिट, और दूसरी रहने वाली है रोहित श्रॉफ के ऑपोजिट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऋतिक के किरदार के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि ऋतिक जो कि इतने वक्त बाद यहाँ पर कोई फिल्म ला रहे, तो इसमें ऋतिक के किरदार में वो सभी बात हो जो कि यहाँ ऋतिक के किरदार को और भी ज्यादा शानदार बना दे। लेकिन यहाँ पर हमें लगभग साउथ फिल्म में विक्रम वेदा की तरह ही हिंदी फिल्म विक्रम वेदा दिख रही है, और जिसके उसी कारण से यहाँ पर फिल्म में न तो हमें ज्यादा स्टाइलिश सॉन्ग देखने को मिलने वाले, और न ही ऋतिक का कूल और फनी अंदाज, और जैसे कि यहाँ पर तो ऋतिक के पास हमें कोई एक्ट्रेस भी नहीं दिखेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ बिना हीरोइन के ऋतिक की फिल्म, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि ऋतिक की विक्रम वेदा के साथ हम एक अलग ही दुनिया में जाने वाले, जहाँ पर कि सभी पूरी तरीके से खो जाएंगे, क्योंकि ये होगी विक्रम वेदा की दुनिया जहाँ पर कि हमारे बॉलीवुड के स्टाइलिश स्टार ऋतिक रोशन जो कि गैंगस्टर बने हुए दिखेंगे, और सैफ जो कि हमें दिखेंगे ऋतिक के पीछे। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।